नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम कटिबस्थी के बारे में जानेंगे। कटी मींस लोअर बैक एंड बस्ती मींस रिटेंशन। जिस प्रोसेस में ऑयल का इस्तेमाल लोअर बैक रीजन पे रिटेंशन के लिए होता है उसे कटिबस्थी कहते हैं। हाउ कटिबस्थी डन। लोअर बैक के अराउंड ब्लैकग्राम के पेस्ट को ओवल शेप में प्लेस किया जाता है। उसे अच्छे से पैक किया जाता है ताकि उसमें से लीकेज ना हो। इसके अलावा कटिबस्थी यंत्र जो एक्रिलिक और लेदर में मार्केट में अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर वॉर्म ऑयल को 20-40 मिनट और डिशेज के अकॉर्डिंग रिटेन किया जाता है ताकि ऑयल डीपली पेनिट्रेट हो और टिश्यू को नरिशमेंट मिल सके। इस दौरान ऑयल को रीहीट एंड रिप्लेस किया जाता है जिससे ऑयल का टेम्परेचर थ्रू आउट प्रोसीजर मेंटेन रहे। आफ्टर प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ऑयल एंड पेस्ट को निकाला जाता है और लोअर बैक रीजन में मसाज किया जाता है ताकि जो ऑयल वहां पे है उसका भी अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो। हाउ कटिबस्थी वर्क्स। कटिबस्थी में जो ऑयल यूज किया जाता है वो कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। इम्प्रूव्स सर्कुलेशन। वार्म ऑयल हीट प्रोड्यूस करता है जिससे अफेक्टेड एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। फ्रेश ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड स्पाइनल मसल्स एंड टिश्यूज को मिलते हैं जिससे टिश्यू रिजनरेशन की प्रोसेस एक्सिलरेट होकर डैमेज एरियाज के हीलिंग की प्रोसेस प्रमोट होती है। स्पाइन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनते हैं। रिड्यूस्ड पेन एंड इंफ्लामेशन। वार्म ऑयल से अफेक्टेड एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सेल्स एक्टिव होते हैं और वो केमिकल मेडिएटर्स को रिलीज करते हैं जो पेन एंड इंफ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं। स्ट्रेटन द स्पाइन। स्पाइन के सराउंडिंग टिश्यूज मसल्स एंड लिगामेंट्स में वार्म ऑयल डीपली पेनिट्रेट होता है जिससे उन्हें नरिशमेंट मिलता है और रिजुविनेशन होता है और स्पाइन को सपोर्ट करने वाले टिश्यूज मसल्स एंड लिगामेंट्स और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। मेंटेन स्पाइनल अलाइनमेंट। स्पाइन पे स्टिफ मसल्स से अनइवन प्रेशर पड़ता है जिससे मिस अलाइनमेंट होता है। कटिबस्थी मसल टेंशन एंड स्टिफनेस को ब्रेक डाउन करती है जिससे मिस अलाइनमेंट दूर होकर स्पाइन अपने करेक्ट अलाइनमेंट में आती है। स्पाइन का नेचुरल कर्वेचर मेंटेन होता है। लुब्रिकेट्स जॉइंट्स। कटिबस्थी से स्पाइनल जॉइंट्स लुब्रिकेट्स होते हैं। स्टिफनेस रिड्यूस्ड होके मोबिलिटी इंप्रूव होती है। लुब्रिकेटेड जॉइंट मोर स्मूथली मूव करते हैं जिससे उनकी वियर एंड टियर प्रोसेस मिनिमाइज होती है एंड स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इनहांस होती है। प्रमोट रिलैक्सेशन। वार्म ऑयल लंबर रीजन अराउंड के टेंस एंड स्टिफ मसल को रिलैक्स करने का काम करता है जिससे स्पाइन पर पड़ रहे स्ट्रेन रिड्यूस्ड होता है जिससे स्पाइन जल्दी रिकवर होती है और अपने फंक्शन बेटर करने लगती है। रिलैक्स्ड मसल स्पाइन को मोर इफेक्टिवली सपोर्ट करते हैं जिससे रिस्क ऑफ इंजरी रिड्यूस्ड होती है। इंप्रूव्स मोबिलिटी। कटिबस्थी जॉइंट को लुब्रिकेट करती है, मसल रिलैक्स करती है, पेन एंड इंफ्लामेशन को कम करती है, सर्कुलेशन बढ़ाती हैं। इन सब से मसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ के स्पाइन को सपोर्ट करने वाली मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है जिससे वो वाइडर रेंज ऑफ मोशन कर सकती हैं। स्पेशली जिनमें क्रोनिक लो बैक पेन इश्यू है उनमें मोबिलिटी इंप्रूव करने का काम कटिबस्थी करती है। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको आयुर्वेद प्रोसीजर्स के और भी वीडियोस देखने हैं तो हमने इन स्क्रीन पर लगाए हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।